करत महान एंड लुक एट मी गाइस, कितना खूबसूरत हेयर स्टाइल, कितना खूबसूरत मेकअप हुआ है। और ये किया है ओज ब्यूटी सैलॉन से, औरंगी टाउन में ये सैलॉन है। और आप ज़रूर विज़िट कीजिए इनका सैलॉन, ज़रूर विज़िट कीजिए इनका पेज, ज़रूर विज़िट कीजिए इनका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आपने रिव्यू स्टार्टिंग में देख ही लिया है। डॉक्टर मदीहा एंड डॉक्टर मदीहा के भाभी के दोनों का लुक जो है बिल्कुल मैंने सेम क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई है किरत की, ठीक है। किरत की वीडियो आप लोग देख लेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़, वही लिपस्टिक कलर, वही यानी कि आई मेकअप डॉक्टर मदीहा के फेस पे क्रिएट किया गया होने की वजह से, और वीडियो नहीं बना पाई डॉक्टर मदीहा के यहाँ। और इंशाल्लाह आप लोग को यहाँ पे रिव्यू भी दिया जाएगा। लेकिन ये जो है मैं कर रही हूँ सॉफ्ट स्मोकी, ब्राउन स्मोकी, लेकिन इसमें ब्लेंडिंग बहुत बहुत ज़्यादा करनी होती है, बहुत ही ज़्यादा। देखने में तो ऐसा लगता है कि वन शेड है, लेकिन सबसे मेन आर्ट जो होती है आपकी ब्लेंडिंग होती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं कितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग यहाँ पे कर रही हूँ, हद से ज़्यादा, कि जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है पैचेस पड़ गए हैं, जहाँ पे स्ट्रक हो गए हैं आपके शेड, तो इसे किस तरह मैं मैनेज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी लिक्विड चीज़ मैंने यूज़ नहीं किया, जस्ट ड्राई फॉर्म में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ब्राउन की फैमिली से कलर मैंने लिया है, उसी से मैं इसे यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लाइट है, तो फिर डार्कर ब्राउन मैंने लिया, अगेन यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। देन ये ब्लेंड करने के बाद मैं एक ब्लिट ब्रश लूँगी और उसमें नीचे लोअर लैशेस में जहाँ लैशेस लगती है उस साइड पे ब्लैक से टच दूँगी। लाइक ये सॉफ्ट, आप स्मोकी मेकअप कह सकते हैं कि लाइट सॉफ्ट ये ब्लिट ब्रश है। मैंने ब्लैक शेड लिया है, डस्ट सॉरी कोई भी लिक्विड चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो आपके पैलेट में है ब्लैक होता है वही वाला आपने लेना है। मैंने यहाँ पे मैट एंड मैजिक के पैलेट से वर्क किया है काशी के, तो वो पैलेट जो है मेरी मोस्ट फेवरेट पैलेट है मैट में, और बाकी अलग अलग से मैंने इसे लिए। अब आप देखें यहाँ पे मैं किस तरह बार बार इसे ब्लेंड करते जा रही हूँ जहाँ मुझे लग रहा है। देन लोअर साइड पे मैंने लाइट से लाइट ब्राउन एंड लाइट ऑरेंज मैंने टच यहाँ पर किया है, क्योंकि थोड़ा डार्क नहीं करना था मेकअप। ड्रेस के अकॉर्डिंग, इवेंट के अकॉर्डिंग डॉक्टर मदीहा के सॉन्ग लॉन्च हुए, तो आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कोई ग्लैमर लुक देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने काशी का आई ग्लोइंग शिमर यूज़ किया है आई कॉर्नर पे, फिंगर टिप से मैं यूज़ कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास एप्लीकेटर नहीं है आप फिंगर्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आईब्रो मुझे यहाँ लग रहा था कि थोड़ा सा लाइट, तो मैंने डार्क किया है। दैन लाइनर जो मैं लगाऊंगी बिल्कुल लैश लाइन में लगाऊंगी, विंग्स नहीं निकालूंगी, क्योंकि हमें हमने मेकअप इस तरह किया है बिल्कुल मैट सॉफ्ट में विंग्स। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब आप विंग्स निकालेंगे तो लैशेस आपकी थोड़ी सी बड़ी लगती है आई लैशेस, लेकिन यहाँ पे जब मैंने विंग्स नहीं निकाला तो लैशेस जो है मेरी छोटी यहाँ पर अप्लाई होगी, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होगी, आपने साइड से साइज़ को स्मॉल कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए कभी कि मैंने लैशेस पहले लगाया है तो मुझे ऐसा लगा ये लार्ज है, मतलब आईज़ ओपन करने के बाद थोड़ा सा मैसी लुक लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसे निकाल के अगेन कट करके दोबारा लगाया। ये देखें ये विंग्स अगर आप निकालते तो ये लैशेस आपके बिल्कुल फिक्स हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि लैशेस जो आपके हैं बिल्कुल आपको सेम नहीं लगाना, मुझे समझ में नहीं आया मैंने निकाल दिया, साइड से कट किया, देन अगेन यहाँ पर लैश को यहाँ लगा रही हूँ और यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। माशाल्लाह से किरत है भी बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी सी हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील करती हैं हमारे पॉलर से तैयार होकर, तो लोग उनको बहुत पसंद आता है, जैसा वो चाहती हैं जिस तरह, तो वो मुझे बता देती हैं मुझे इस टाइप का लुक क्रिएट चाहिए, तो उसी के बिल्कुल सेम अपोज़िट, सॉरी सेम कर देती हूँ, अपोज़िट तो नहीं, बिल्कुल सेम करने की कोशिश करती हूँ। अब आप देखिए मेकअप थोड़ी थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीडाइज होने के बाद मेकअप और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जितना ऑक्सीडाइज होगा या जितने पहले मेकअप हो जाता है मेकअप आपके और ज़्यादा इन्हांसिंग होते हैं और शेड आपके बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगने लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं नोज़ कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, नोज़ कॉन्ट्रोल बहुत लाइट से करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल हेवी मेकअप नहीं है, ये बेस भी मैंने बहुत लाइट से यहाँ पर बनाया है।
बेस जो मैंने बनाया है वो मैंने काशी के आज फाउंडेशन मैंने यूज़ नहीं किया, आज मैंने यूज़ किया है मुसर्रत मिसबा और नार्स के। नार्स के फाउंडेशन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे तो मदीहा से लेके ही मैंने यूज़ किया है आज पे, और बहुत लाइट बेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो जब आप लाइट बेस करेंगे तो आपके नोज़ कॉन्ट्रोल भी लाइट होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए चिक एंड फोरहेड में यहाँ पे कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा डार्क मैंने यहाँ पे किया है, लेकिन आपने रिव्यू तो देख ही लिया है तो उसमें मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेकओवर करने के बाद आई थिंक 1.5 आवर्स के बाद उन्होंने रिव्यू दिया था, तो मेकअप बहुत ज़्यादा उस वक्त अच्छा लग रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों का ख्याल रखना है कि जब आप मैट मेकअप कर रहे हैं, आपको मैट लुक देना है, आप विंग्स नहीं निकाल रहे हैं, तो लैशेस थोड़ी सी अच्छी वाली यूज़ करें। दूसरा ये है कि आप ग्लैमर टच थोड़ा कम दें, मतलब आप हाइलाइटर बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाएं, लेकिन लिपस्टिक जो मैं लगाऊंगी एंड मैं लिप ग्लो भी लगाऊंगी, मैं लिप ग्लो काशी का ही यहाँ पे यूज़ करूँगी। वैसे और भी ब्रांड के हैं, आप एसेंस का भी ले सकते हैं, लेकिन काशी के मेरे पास है तो मैं काशी का ही यूज़ करूँगी। हाइलाइटर जो है, हाइलाइटर मैंने काशी का पैलेट के फॉर्म में जो है वो मैंने यूज़ किया, इंडिविजुअल वाले मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैंने सोचा आज थोड़ा चेंज कर देती हूँ। इंडिविजुअल वाला तो मैंने ऑलरेडी पहले शेयर किया था, और नोज़ पे भी बहुत लाइट सा मैं यहाँ पे टच दूँगी। बाकी आप किरत के आईडी पे जाके, उनके इंस्टाग्राम में जाके उनका मेकअपर देख सकते हैं कि आफ्टर ऑक्सीडाइज आफ्टर 1 to 2 आवर्स में क्या लुक आया है। हेयर स्टाइल जिस तरह किरत ने दिखाया था सेम एज इट इज़ हमने करने की कोशिश की है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही थी किरत। ट्रस्ट में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी किरत ही लग रही थी, क्योंकि सॉफ्ट लुक, आई मीन के पोनी टेल जब वो बनाया उन्होंने तो उसमें लुक आ गया था, और किरत उस दिन होस्टिंग भी कर रही थी, उनको पोनी टेल ही बनवानी थी ताकि वो रिलैक्स रहें और आराम से वो होस्टिंग कर लें। माशाल्लाह से मदीहा भी बहुत प्यारी लग रही थी, सभी प्यारे लग रहे थे नो डाउट, और दरक्षा सिर्फ आई मेकअप उसे क्रिएट करवाई थी एंड हेयर स्टाइलिंग हमारे पार्लर से उन्होंने करवाया था। लिपस्टिक जो मैंने यूज़ किया है वो काशी का कपकेक है, एक और लाइट ब्राउन कलर का, मुझे नेम याद नहीं है, वो दोनों मैंने मिक्स करके किया है। ये मैट लिपस्टिक है काशी का, देन ये लगाने के बाद फिर मैं लिप ग्लो लगाऊंगी काशी का लाइट टोन में, बहुत लाइट टोन में, वो भी मैं आप लोगों से यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो मदीहा ने भी उसके ऊपर लाइट ही लगाया था, लेकिन वो लिपस्टिक थोड़ा सा और लाइट करवा ली थी, क्योंकि सॉफ्ट लुक चाहिए था, लिपस्टिक तो इसे लाइट ही अच्छी लगती है। और किरत की आईज़ तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं, मतलब आई डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, किरत पे कुछ भी लुक क्रिएट कर दिया जाए, कुछ भी मेकअप कर दिया जाए, वो तो सूट करना ही करना है, बहुत, यानी कि बहुत ही प्यारी आईज़ है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला नज़रबद से बचाए, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, कि हम एक मेकअप आर्टिस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमें, यानी कि आई डिस्टेंस ज़्यादा मिल जाता है, इसमें हम कलर शेड जो है डिफरेंट लगा सकते हैं। बाकी मेकअप आर्टिस्ट का ये होना चाहिए कि आपकी जिस तरह से भी आया है उनको आपको इन्हांस करना है। लाइक मेरी आईज़ जैसे कि स्मॉल है, तो मुझे ऐसा मेकअप करना है कि मेरी आईज़ थोड़ी सी लार्ज लगे और इन्हांसिंग लगे। अगर मैं इसमें ब्लैक स्मोकी कर लूँगी मैं अपनी आईज़ में, जैसे छोटी आईज़ पर और बिल्कुल इन साइड पर हो, तो क्या है कि आपकी आईज़ इतनी खूबसूरत नहीं लगती है। तो आपको आईज़ के अकॉर्डिंग मेकअप करना चाहिए कि आपके क्लाइंट आप पे छोड़ रहे हैं तो, वरना आप अपने क्लाइंट से पहले पूछ लें आपको किस टाइप का लुक क्रिएट करना है, तो उनके अकॉर्डिंग आप वर्क करें और फिर आप उनसे डिस्कस कर लें कि ये चीज़ आप पे सूट नहीं करेगी। ओके, ये लिप ग्लोज है काशी का, बहुत लाइट है, ये लाइटर टोन में इन साइड पर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, एंड में हेयर स्टाइलिंग के बाद मैं लिप ग्लो लगा दूँगी। तो शायद यहाँ पर वीडियो बनाने में भूल गई हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो भी क्वेश्चन क्यूरी है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह जिसके आंसर मैं दूंगी कमेंट के थ्रू या नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।